हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इतना चहल पहल आप सबको दिख रहा है हमारे घर में, और आज है भाभी की बड़ी वाली बेटी जो है कि गौरी, इसका बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे यहाँ लड़कियों की कितनी सारी जनरेशन खड़ी हुई है। तो नाना नानी मौसा मौसी मौसा नहीं सॉरी मौसी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप भी। और ये रहा केक, और गुनगुन इसमें थोड़ा सा जेम्स लगा के और सुंदर बना दी है। अरे उठाओ उसको भाई। और आजकल हमारे घर में बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो बस ज्यादा कुछ कोई नहीं है, हमारे बच्चे हैं और केक कटिंग होने वाला है और खाना लगभग बन चुका है। तो मैं अभी दिखाऊंगी आप सबको क्या क्या बना है। और पता है, और ये है गंगा, और ये है गौरी। और गौरी का ड्रेस कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर। इधर आ जाओ। तो यहाँ है, और दादी को बुलाने के लिए सब परेशान है। दादी को बुलाओ, दादी को। गुनगुन आ जाओ इधर, और इनसे मिले। ये है कन्हैया जी। ए कन्हैया जी बोलो। आजकल पता है इसकी शैतानियां बढ़ गई है, तो देखिए आप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो दीदी को। नहीं नहीं, कैमरा तो मिलेगा नहीं तुमको, नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं खुशबू की सेल्फी, वो भी अपनी बेटी के साथ। चलो बहुत अच्छा। अरे खाने दो भाई, अब कट चुका है केक। अब केक की तौहीन ना करो, उसको खाने दो, जहाँ जाना है उसको असली जगह पे चले जाने दो। क्या हुआ कन्हैया, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बाबू। और कन्हैया पता है उसको पकड़ के पूछी दे दिया, और ये रोने लगी। और चौमिन के बाद मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखने से है, और ये है पनीर और मशरूम की सब्जी। कन्हैया भी बोल रहे हैं, ओके गूगल प्लीज प्ले कन्हैया सॉन्ग। नहीं सुन रहा है गूगल, गूगल नहीं सुन रहा है तुम्हारी बात कन्हैया। गूगल क्यों नहीं सुन रहा है भाई, बोलो गूगल से। हाँ, और यहाँ पे देख लीजिए गूगल से बात करने की कोशिश कर रहा है, और गूगल उसकी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब सुनेगा बेटा, अब सुनेगा, आराम से बेटा, प्यार से बोलो उसके साथ। अभी मिल रही हूँ आप लोगों के साथ। और पता है कन्हैया गूगल का टेस्ट करने के लिए इतना परेशान था, उसको लग रहा था कि कुछ खाने वाली चीज है, आखिर क्या है ये, मतलब इतना चला रहा था कि मुझे खाना है खाना है, लेकिन उसमें लाइट थी ना इस वजह से मैं लेकर आ गई। अभी माहौल एकदम शांत है, बच्चे सब लोग एकदम रूम में जाके बैठ चुके हैं, और बस खाना भी करीब करीब बन चुका है, सब्जी बन गई है। ज़्यादा मैंने सब्जी नहीं बनाया, क्योंकि पनीर मशरूम सबको बहुत अच्छा लगता है, और गौरी मशरूम नहीं खाती है, तो उसके लिए मैंने पनीर की सिंपल सी थोड़ी सी सब्जी, मतलब ग्रेवी वही था, बस पनीर अलग से डाल दिया, और क्योंकि हो जाएगा उसका भी। और मिठाई भी बहुत टेस्टी आया हुआ था पता है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मिठाई है लड्डू। तो चलिए आप सब भी खाइए मोतीचूर के लड्डू, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए मैं एक खा लेती हूँ, क्योंकि केक मैं नहीं खाती। और मिठाई में भी यही मिठाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बूंदी का होता है ना, फ्रेश होता है। हाँ क्या हुआ। और आज का ब्लॉग एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा सा,
मैंने सोचा कि चलिए आप लोग तक कुछ तो मतलब चाय अच्छा लगेगा, क्योंकि बारिश में वैसे भी मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है जो भी है, लेकिन अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। बनने के बाद कितना मतलब कहते हैं ना कि टेस्टी लग रहा है, देखने में सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एक सब्जी ऐसी हो तो मतलब मज़ा आ जाएगा खाने में। तो चलिए पहले मैं इसे निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के खाने का टाइम हो चुका है और पूरी उधर तल रहा है पीछे साइड किचन में। बाबू इनका यही बहरिया में खुशबू, भाभी और मैं नहीं दिख रही हूँ तो मैं दिखा दे रही हूँ मैं हूँ, और सारे बच्चे इधर से उधर बैठे हुए हैं। गंगा जी वहाँ पे कुछ ढूंढ रही हैं, पता नहीं क्या है खाने में, ढूंढ रही है कि प्याज कहाँ चला गया उसमें का, और टमाटर भी ऊपर आ गया है ना। टमाटर का सॉस इसका फेवरेट है, पर टमाटर सब्जी में नहीं खाती है। तो बस ऐसा ही रहा आज हमारा छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। सब बोलो गुड नाइट, सब बोलो गुड नाइट।